मैं सबसे पहले एमएनटी न्यूज नेटवर्क को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मूल निवासी समाज के एक जिनकी शहादत दिवस है आज, जिनको उनके चाहने वाले बिहार लेनिन के नाम से जानते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी के ऊपर कार्यक्रम ने करने का विचार किया और मुझे अवसर दिया कि मैं बाबू जगदेव प्रसाद जी के विषय में अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखूं। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी 1922 को बोध गया, जिसको मूल निवासी समाज ज्ञान की नगरी के रूप में जानता है, के पास कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में हुआ। उनके पिता शिक्षक थे और उन्हीं की देखरेख में बाबू जगदेव प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा मिडिल कक्षा तक हुई। उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए कुर्था प्रखंड आ गए और उच्च शिक्षा उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हासिल की। पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा और अध्ययन के समय वे परिवर्तनगामी जो शक्तियां थीं उनके संपर्क में आए और सामाजिक परिवर्तन के जो मूल तत्व थे उनको उन्होंने बहुत मजबूती के साथ आगे लेकर जाने की शुरुआत करी। यहाँ वो सोशलिस्ट पार्टी के संपर्क में आए और बहुत दिनों तक जो सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र था, जो जनता नाम से निकलता था, उसके संपादक रहे। संपादन कार्य करते करते बाबू जगदेव प्रसाद जी ने मूल निवासी आंदोलन में जो एक दिशा थी उस दिशा को तय किया और बिहार में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने आगे चलकर शोषित दल के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया और जब वो उस राजनीतिक दल को बना रहे थे तो बनाने के समय उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उस राजनीतिक दल की जो महत्व था उस महत्व को निम्न विचारों में रेखांकित किया। उन्होंने कहा, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसके धारा कभी रुकेगी नहीं, इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद जी का स्पष्ट मत था कि किसी भी स्थायी परिवर्तन के लिए हमें लगातार 3 पीढ़ियों की आवश्यकता होगी। उन 3 पीढ़ियों में जो पहली पीढ़ी है वो सामंतवादी शक्तियों के चलते मारी जाएंगी, दूसरी पीढ़ी को सामंतवादी शक्तियां षड्यंत्रों के साथ फंसा कर जेल भेजेंगी, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी होगी वो तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। तो इस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद जी का मत था कि अंत में जो जीत होगी वो जीत हमारी होगी। उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी महान दार्शनिक, जिन्होंने विज्ञानवाद तर्कवाद के जो मूल्य थे उन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आए। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आकर उन्होंने अर्जक संघ के सदस्य बन गए और बाद में उन्होंने अपने शोषित दल का रामस्वरूप वर्मा जी के समाज दल के साथ विलय करके शोषित समाज दल के नाम का
नया राजनीतिक दल बनाया। जब उन्होंने इस राजनीतिक दल को बनाया और दोनों जो महापुरुष थे उन्होंने मूल निवासी समाज के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को स्पष्ट रेखांकित करना शुरू कर दिया। उनका मत था कि जो मूल निवासी समाज की जो दुर्दशा के जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी ब्राह्मणवाद है और जो ब्राह्मणवाद है वो अमानवीय और पाखंडवाद पर टिका हुआ है। इसलिए उनका कहना था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो स्पष्ट उनका मत था कि 90% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और जो मूल निवासी हैं वही शोषित हैं। तो जो शोषित हैं उन 90% पर जो 10% लोग हैं उनका शासन नहीं चलेगा। इसलिए वो समस्त जो आर्थिक संसाधन हैं उन आर्थिक संसाधनों का वितरण चाहते थे कि जो 90% लोग हैं उनके पास 90% जो साधन और संसाधन है वो मिलने चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने इन्हीं सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जो अलख है वो जगाई। वो रात दिन जगह जगह पर सभाएं करते रहे और नए नए नारे गढ़ने में उनको महारत हासिल हो गई। मूल निवासी समाज के लोग बड़े चाव से उनके भाषणों को बड़े पैमाने पर सुनने के लिए एकत्रित होते और उनको अपना समर्थन देने के लिए तन मन धन से साथ देते। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का लगातार मत था कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण बंगी एक समान। उनका ये मत था कि जो ब्राह्मण और बंगी के बीच में जो अंतर है उस अंतर को खत्म करे बगैर भारत में मानववाद की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब तक इस देश में ब्राह्मण और भंगी एक समान नहीं होंगे तब तक भारत में मानववाद की स्थापना नहीं होगी। आगे वो इस बात को स्थापित करते हैं कि भारत में जो ब्राह्मणवाद, जो स्प्रिट ऑफ इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी की भावना है, आखिर वो किस तरह से पनपी। तो उनका मत था कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। मतलब ब्राह्मणवाद के दो महत्वपूर्ण जो उपकरण थे उनकी नजर में थे कि एक जो पुनर्जन्म की व्याख्या ब्राह्मणवाद करता है और दूसरा भाग्यवाद की जो व्याख्या करता है उससे ब्राह्मणवाद का जन्म होता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों ही मतों को नकार कर उन्होंने एक इस तरह की व्यवस्था जो मानववाद पर टिकी हो, जो तर्कवाद पर टिकी हो, जो विज्ञानवाद पर टिकी हो और जिसमें जो प्रत्येक मानव है वो समान हो, इस तरह की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। साथियों, आज 5 सितंबर है और आज ही का वो मनहूस दिन है जब सामंतवादी शक्तियों ने बाबू जगदेव प्रसाद जी के साथ षडयंत्र कर उनकी निर्मम हत्या करी। आप लोगों को पता है कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जब एक सभा को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी पार्टी का झंडा हाथ में लिए अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल पर जा रहे थे तो वहां के जो DSP था उसने षडयंत्र कर उनकी गर्दन में गोली मारी। ना गर्दन में गोली मारी बल्कि उनको प्राथमिक उपचार के बजाय उनको जीप में डालकर थाने ले गए और थाने में भी उपचार कराए बिना उनको मरने के लिए विवश कर दिया गया। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद जी का ये जो बलिदान है और उस बलिदान के बाद उन्होंने जो बिहार, जो ज्ञान और क्रांति की भूमि है, उस ज्ञान और क्रांति की भूमि पर जो क्रांति के जो अलग जगाई वो आज भी यथावत उसी तरीके से जलती चली आ रही है।
हम बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो कुर्बानी है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आप से यह संकल्प लेते हैं कि हम उनके मिशन को और अंतिम मंजिल तक ले जाने में जिस जीत का सपना के अंततः जीत हमारी होगी, जिस जीत का सपना वो सजे हुए थे, हम 90% लोगों का यह अब दायित्व है कि हम उनके सपने को साकार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। मैं इस अवसर पर उन्हें आप सभी का एक बार अनुरोध करता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचारों का प्रसार प्रसार करने और अपने मूल निवासी समाज के अंदर जो गैर बराबरी की जो विषमताएं हैं उनको खत्म करते हुए इस देश में मानववाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद के आधार पर संविधान के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए हम संकल्पित होंगे, हम प्रतिबद्ध होंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान साथियों।